थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, कि कुछ भी आगे बढ़ने से पहले ये तीन टर्म्स क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए. एसेट्स डन, लाइबिलिटीज डन, लास्ट टर्म कैपिटल, लास्ट टर्म कैपिटल. अब ध्यान से देखना, क्या बताया था मैंने आपको कि लाइबिलिटीज दो टाइप की होती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. ध्यान से देखेंगे, लाइबिलिटीज दो टाइप्स की होती है, इंटरनल लाइबिलिटीज और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. इंटरनल लाइबिलिटीज और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हम कवर कर चुके हैं, उसमें नॉन करेंट, करेंट सारी कैटेगरीज हम कवर कर चुके हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल लाइबिलिटीज. इंटरनल लाइबिलिटीज को क्या बोलते हैं? कैपिटल. तो पहला क्वेश्चन ही माइंड में आना चाहिए कि वाई इज इट अ लाइबिलिटी. मैं ओनर, मेरा बिजनेस, अकाउंट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं? जो अकाउंट्स बन रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग हो रही है या ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग हो रही है? या समझ नहीं आया सर कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना. मेरा क्वेश्चन है कि जो अकाउंटिंग है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ओनर, बिजनेस या नो आइडिया? बिजनेस. आर यू श्योर? बिजनेस. नॉट श्योर. बिजनेस. व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से दैट द अकाउंटिंग इज बीइंग डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस? All the transactions will be recorded from the point of view of the business. The performance which we are trying to analyze is that of the business. Good. So first of all, we have to segregate the personal transactions and business transactions. If an owner is using money of the business to meet his personal expenses, if the owner of the business is using money of the business टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेस, कि जैसे मैंने बिजनेस के अकाउंट से पेमेंट करी अपने घर के बिजली के बिल की, घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, विल इट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस एक्सपेंस और माई पर्सनल एक्सपेंस? गुड. तो आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट में, तो आइडेंटिफिकेशन में यही आइडेंटिफाई करना होता है कौन से आपके बिजनेस से रिलेटेड है, कौन से नहीं है. तो इसका मतलब ओनर और बिजनेस दो सेपरेट एंटिटीज मानी जा रही है, ओनर और बिजनेस दो सेपरेट एंटिटीज मानी जा रही है. यस और नो? किस सेपरेट किया जा रहा है? इफ यू से दैट, या तो आप बोलते ना सर एक ही बात है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका मतलब देर इज नो सेग्रीगेशन. बट वेन वी से दैट द अकाउंटिंग इज बीइंग डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस एंड नॉट द ओनर, तो इसका मतलब हम सेग्रीगेट कर रहे हैं दोनों को, ओनर अलग, बिजनेस अलग, ओनर अलग, बिजनेस अलग. ऐसा क्यों होता है? रीजन. Correct. And also it will not tell us about the true picture of the business. If the money of the business is being used to meet your personal expenses and they are also being accounted for, then the results are not fair. तो जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस होगा वो सही नहीं है. आपने अननेसेसरी एक्स्ट्रा खर्चे दिखा रखे जो आपके पर्सनल थे, बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं थे. वन रीजन. मोर इंपॉर्टेंट रीजन, इट इज बिकॉज ऑफ एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल. इट इज बिकॉज ऑफ एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल. अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नाम है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ध्यान से सुनेंगे, क्या है ये? अकाउंटिंग एंटिटी और द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कैपिटल, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एंटिटी, क्योंकि इस पे ही बेस्ड है उसका मीनिंग और ट्रीटमेंट. बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, एज पर दिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल,
all the entries are recorded in the books of accounts from the point of view of the business. According to this principle, business is considered to be separate from its owners. DCC alag, Deepak Chaudhary alag, Reliance alag, Mukesh Ambani alag, Tata Motors alag, Tata Limited alag, Ratan Tata alag. Owners alag, Tim Cook alag, Apple alag. Business entity principle. Kare the owners and the business are considered as two separate entities. And the accounting will be done from the point of view of the business and not the owner. Business transactions are recorded in the books of accounts from the business point of view and not from that of the owners. Owners being regarded as separate from the business are considered as creditors of the business to the extent of their capital. Kare ab alag maan liya dono ko. Ab jo owner ne business mein paisa invest kiya hai, to that extent, he will be considered as a creditor of the business. Matlab business ne owner se kuch paise le rakhe hain. So it is because of this principle that the money invested by the owner in his own business is considered as a liability. Do alag alag hai. Ye owner, ye business. So owner ne apne hi business mein 10 lakhs invest kare. So ye mana jayega ki business ne owner se 10 lakhs liye. ये हुई ना ट्रांजैक्शन ओनर ने बिजनेस को दिए बिजनेस ने ओनर से लिए तो ट्रांजैक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड हो रही है बिजनेस के तो बिजनेस ने लिए किसी से बोरोइंग है बट इंटरनल बोरोइंग है क्या है ये इंटरनल बोरोइंग देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड एज एन इंटरनल लायबिलिटी देयरफॉर इट इज शोन सेपरेटली एज कैपिटल कैपिटल इज द मनी और मनी इज वर्थ मनी और मनी इज वर्थ मनी और मनी इज वर्थ का मतलब या तो आप अपने बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस कर रहे हो या एसेट्स कि मैं लैपटॉप अपना बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं अपने घर से फर्नीचर ले आया बिजनेस में डाल दिया तो कैपिटल में भी इंट्रोड्यूस्ड इन कैश और इन काइंड मतलब आप कुछ सामान ले आए एज एन ओनर आपने कुछ एसेट इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में सो द कैपिटल इज द मनी और मनी इज वर्थ इन्वेस्टेड By the owner in the business. तो जो भी owner का पैसा लगा हुआ है ना उसको capital बोलते हैं इतना clear है Next जो important point बताना चाहिए कि capital is considered as an internal liability of the business. फिर next question आना चाहिए कि why is it considered as an internal liability? Because of the business entity principle. Because of the business entity principle. उसके बाद owner अगर कुछ पैसे withdraw कर लेता है विड्रॉ मतलब ओनर ने बिजनेस में से कुछ पैसे विड्रॉ कर लिए उसको कहते हैं ड्रॉइंग्स क्या कहते हैं उसको ड्रॉइंग्स अब बिजनेस का पैसा था मैं ही ओनर हूं अब मेरे को अपने खर्चे के लिए भी तो पैसा चाहिए होगा तो मैंने अगर बिजनेस के अकाउंट से पैसे विड्रॉ करके खाने का बिल दिया अपने पर्सनल यूज का पर्सनल तो पैसे तो यूज हुए हैं बिजनेस के बट अब ओनर और बिजनेस दो सेपरेट एंटिटीज हैं तो जब ओनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहा था इंट्रोड्यूस कर रहा था तो बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ रही थी कैपिटल बढ़ रही थी अब अगर ओनर ने बिजनेस में से पैसे विड्रॉ करे तो कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा कम हो जाएगा बिजनेस उसके पैसे काटेगा ना मैं बिजनेस हूं आप ओनर हो आपने 10 लाख इन्वेस्ट करे तो आपकी कैपिटल हो गई 10 लाख अब आपने 1 लाख उसमें से अगर यूज कर लिया अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए तो उस 10 लाख में से मैं काटूंगा ना उसको टर्म दी जाती है ड्रॉइंग्स क्या टर्म दी जाती है ड्रॉइंग्स एंड ड्रॉइंग्स लीड टू रिडक्शन इन कैपिटल ये भी समझ आ गया क्लियर है ना ड्रॉइंग्स मे बी इन कैश ड्रॉइंग्स मे बी इन काइंड मतलब ड्रॉइंग्स मे बी इन कैश का मतलब आपने बिजनेस का कैश विड्रॉ कर लिया बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर लिए तो वो तो हो गए ड्रॉइंग्स इन कैश अब मेरा ग्रोसरी स्टोर है घर वालों ने बोला बेटा वापसी में ना 10 किलो आटा लेते आना मेरा ही स्टोर है और मैंने उठाया 10 किलो आटा और घर ले गया मैं बट जो सामान बिजनेस के लिए यूज हुआ था बिजनेस के लिए परचेज करा गया था उसमें से कुछ सामान तो मैं घर ले गया तो उसे क्या बोलते हैं ड्रॉइंग्स
इन काइंड, क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉइंग्स इन काइंड। बट सर आप ओनर के ऐसे ऐसे दिखाता होगा ट्रांजैक्शन, अगर आपको प्रॉपर स्टॉक टेकिंग करनी है, प्रॉपर अकाउंटिंग करनी है, तो बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज तो आपने 10 पैकेट खरीदे थे आटे के, 5 पैकेट में बेच दिए, 2 आप घर ले गए, तो अगर बचे हुए 3, तो जो 2 घर ले गए अगर उसकी अकाउंटिंग नहीं करोगे तो मिसमैच होगा ना, कि आपके हिसाब से तो 5 पड़े होने चाहिए, वहां पे तो 3 ही पड़े हैं। तो ड्रॉइंग्स दिखानी पड़ती हैं। पॉइंट इज ड्रॉइंग्स में भी इन कैश, ड्रॉइंग्स में भी इन काइंड। एक बार मैं क्लोज करूंगा दोनों टर्म्स, कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, फिर मैं आपके डाउट्स दूंगा। इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं इसलिए साथ करा दी। कैपिटल, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर, बाय द प्रोप्राइटर। अब ये प्रोप्राइटर कौन होता है ध्यान से देखेंगे। चलो इसमें करा देता हूं मैं, यहां पे जगह है। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। वन इज, पहुंच गए बिजनेस स्टडीज में यहां तक, चलो कुछ लोग पहुंच गए। सोल प्रोप्राइटरशिप, एक होती है पार्टनरशिप, और एक होती है कंपनीज। कंपनीज में जॉइंट स्टॉक कंपनीज, वो सब प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, नहीं यार, बट 3 टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। उनके ओनर्स को क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप के ओनर को बोलते हैं प्रोप्राइटर। क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर भी बोलते हैं, प्रोप्राइटर इज द सिंगल ओनर ओनली। पार्टनरशिप को ओनर्स को क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। कंपनीज के ओनर्स को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। फाइंड आउट। तो ये तो बस नॉलेज सेक। कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, पार्टनर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स। सो द कैपिटल मे बी इंट्रोड्यूस्ड इन कैश और इन काइंड। इन केस ऑफ कंपनीज, कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ कैपिटल आर टर्म्ड एज शेयर होल्डर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, ऑफ द बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी को फर्म भी बोलते हैं, टूवर्ड्स द ओनर्स। वाई? बिकॉज अंडर द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, द बिजनेस इज कंसिडर्ड एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। कैपिटल इज, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योर बिजनेस, ऑलरेडी डन, सुनने पर ध्यान देंगे प्लीज। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्टरनेट नेम्स पता होने चाहिए, कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ। अब हमने जब डिस्कस किया था, शायद इको की क्लास में डिस्कस किया था, कि टॉप 10 richest पर्सन ऑफ द वर्ल्ड कौन है, तो टॉप 10 उसका कोई आंसर नहीं पूछ रहा मैं कह रहा हूँ वो उसकी वैल्यूएशन किस बेसिस पे होती है, उनकी नेटवर्थ के बेसिस पे, उनकी नेटवर्थ के बेसिस पे। सो द कैपिटल इज योर नेटवर्थ, इज योर नेटवर्थ। तो नॉर्मली उनकी कैपिटल कैसे कैलकुलेट होती है? द वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल दैट दे होल्ड, द वैल्यू ऑफ द शेयर्स दैट दे होल्ड, उनकी एज ऑन डेट वैल्यू क्या है, उससे उनकी वैल्यूएशन होती है कंपनीज के नेटवर्थ की और ओनर्स के नेटवर्थ की। तो कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ, और नेटवर्थ। अब ध्यान से देखना, इट इज ऑलवेज इक्वल टू एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। एसेट्स व्हाट वी ओन, लाइबिलिटीज व्हाट वी ओ, व्हाट वी ओ किसको, टू द outsiders, to the outsiders. When we are categorizing that, like balance sheet contents into 3 items, assets, liabilities and capital, so it is implied ki liabilities kaun si hain, internal ya external? External, kyunki capital to aap alag se dikha hi rahe ho na, to fir wo total liabilities to nahi ho sakti. To jab aap capital alag se dikha rahe ho aur hum dikhayenge hi puri accounting mein, तो जब हम लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। कैपिटल टर्म क्लियर अच्छे से? ठीक है। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्लियर? ओके। ड्रॉइंग्स ऑलरेडी डन,
इट इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर. तो या तो आपने पैसे विड्रॉ करे या आप कुछ सामान ले गए. सामान ले गए, ये गुड्स में डिस्कस कर चुका हूँ. गुड्स क्या होते हैं? फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड, जिस चीज में आप डील करते हो. गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. गुड्स सो टेकन बाय द प्रोप्राइटर आर वैल्यूड एट देयर परचेज कॉस्ट. मतलब जब आप ड्रॉइंग्स कर रहे हैं तो ड्रॉइंग्स की, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के डीलर हो, ठीक है ना, आपके पास एक एयर कंडीशनर पड़ा हुआ था, आपने 40,000 का खरीद 30,000 20,000 का खरीदा था, ठीक ठीक लगा लो भैया, 20,000 का खरीदा था, आप घर ले गए अपने ही यूज के लिए. 20,000 का आपने खरीदा था, मार्केट में वो बेचते आप 30,000 का. 20,000 का आपने खरीदा था, आप उसको सेल करते 30,000 का, मार्केट प्राइस था उसका 30,000. तो बस ये बता रहे कि जब ड्रॉइंग्स होती है अपने ही पर्पस के लिए तो उसको परचेज प्राइस जितने का आपने खरीदा था उस पे वैल्यू किया जाता है, ना कि जितने का आप बेचते. बस वो बता रहा है आपको, अभी वो टाइम नहीं आया बट लाइन आ गई तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ड्रॉइंग्स विल बी रिकॉर्डेड एट द परचेज कॉस्ट. व्हाट्स ऑफ मार्केट में बेचते तो 30 मिलते. अरे आप ये समझो ना कि आप ओनर हो, ठीक है ना, तो इतना चलता है कि अगर आप ऐसे सामान विड्रॉ करोगे तो कॉस्ट प्राइस पे ही वो अकाउंटिंग करी जाएगी, आपसे प्रॉफिट नहीं कमाएंगे. ड्रॉइंग्स रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट और द कैपिटल ऑफ द ओनर्स. जब आप ड्रॉइंग्स करते हैं दे लीड टू रिडक्शन इन द कैपिटल. ड्रॉइंग्स बाय द प्रोप्राइटर और द पार्टनर इज डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट. डेबिटेड टू, नो आइडिया. क्रेडिटेड टू, नो आइडिया. उस पर मैं अलग से अभी बात करूंगा कि ये डेबिट्स क्रेडिट्स क्या है, वो भी अभी आपको ब्रीफ ट्रेलर ही दूंगा, विच वुड बी 5-10% ऑफ द एक्चुअल कॉन्सेप्ट. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज अ सेपरेट चैप्टर, बट अभी मैं उसका एक ट्रेलर दे दूंगा क्योंकि अभी टर्म्स आएंगे डेबिट क्रेडिट, तो रिलेट थोड़ा सा तो कर पाओ, थोड़ा सा ही कर पाओगे, ज्यादा नहीं. एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट द ड्रॉइंग्स आर डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल. ओके, तो क्या टर्म्स पढ़ी हमने? कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स. अब चलो, जहां इतनी बातें हुई, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, क्योंकि हमने एसेट्स भी कर लिया, लाइबिलिटीज भी कर लिया, कैपिटल भी कर लिया, तो बस क्लोज कर रहा हूं. इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन. क्या बोलते हैं इसको? अकाउंटिंग इक्वेशन. एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. अब इसके तो मल्टीपल वो है डेरिवेशन की, इसी से डिराइव हुआ कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, इसी से डिराइव हुआ लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल. अकाउंटिंग इक्वेशन ये है, अकाउंटिंग इक्वेशन ये है. कैपिटल का दूसरा नाम ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ. नेटवर्थ इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में भी यूज कर सकते हैं वो ये टर्म, और पता ही होनी चाहिए वैसे भी. चलो,